लूका रचित सुसमाचार अध्याय एक। इसलिए कि बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, कि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल हैं। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए, और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं, और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न की। और लोग जकरिया की बात देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में ऐसी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका, सो वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा,
मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रदान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबनी इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी छठवां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरयाह के घर में जाकर इलिशबा को नमस्कार किया। जो ही इलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। और यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? और देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूचे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इसराइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। तब इलिशबा के जनने का समय पूरा हुआ और वह पुत्र जनी। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है उसके साथ आनंदित हुए। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरयाह रखने लगे। और उसकी माता ने उत्तर दिया कि नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। और उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है, और उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया कि उसका नाम यूहन्ना है, और सबों ने अचंभा किया। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। और उसका पिता जकरयाह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा कि प्रभु इसराइल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे। और वह शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है,
यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इसराइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सूर्या का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज या दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीही प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गलरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गलरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गलेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहिलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के दो बच्चे लाकर बलिदान करें। और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इसराइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इसराइल की महिमा हो। और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थीं आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे
और आशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उसके विषय में बातें करने लगी। और जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया। और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट आए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे और उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और यीशु बुद्धि और डीलडौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय। तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुंतियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस नाम चौथाई का इतुरैया और त्रखोनितिस में उसका भाई फिलिप्पुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र योहन्ना के पास पहुंचा और वह यर्दन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकलकर आती थी उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अभी कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। और लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा कि हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। और सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में योहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है,
तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंध खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। सो वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, परंतु उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया। इसलिए हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था और वह एली का और वह मत्तात का और वह लेवी का और वह मलकी का और वह यन्ना का और वह यूसुफ का और वह मत्तिया का और वह आमोस का और वह नहूम का और वह असल्याह का और वह नोगह का और वह मात का और वह मत्तित्याह का और वह शिमी का और वह योसेख का और वह योदाह का और वह यूहन्ना का और वह रेसा का और वह जरुबाबिल का और वह शालतियेल का और वह नेरी का और वह मलकी का और वह अद्दी का और वह कोसाम का और वह इल्मोदाम का और वह एर का और वह येशु का और वह इलाजार का और वह योरीम का और वह मत्तात का और वह लेवी का और वह शमोन का और वह यहूदाह का और वह यूसुफ का और वह योनान का और वह इल्याकीम का और वह मलेआह का और वह मिन्नाह का और वह मत्तात का और वह नातान का और वह दाऊद का और वह यिशै का और वह ओबेद का और वह बोअज का और वह सलमोन का और वह नहशोन का और वह अम्मीनादाब का और वह अरनी का और वह हिश्रोन का और वह फिरिस का और वह यहूदाह का और वह याकूब का और वह इसहाक का और वह इब्राहीम का और वह तिरह का और वह नाहोर का और वह सरूग का और वह रऊ का और वह फिलिक का और वह एबीर का और वह शिलह का और वह केनान का और वह अरफग्यद का और वह शेम का और वह नूह का और वह लिमिक का और वह मतुशिलह का और वह हनोक का और वह यिरिद का और वह महलेल का और वह केनान का और वह इनोश का और वह शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का था। लूका रचित सुसमाचार चौथा अध्याय। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर।
तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। तब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई और वह उनकी आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। और वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थीं उनसे अचंभा किया और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उससे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य अपने आप को अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहां अपने देश में भी कर। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। और इलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सूर्यानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दें, पर वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर में गया और सप्त के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्टात्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। सो चारों ओर हर जगह उसकी धूम मच गई। वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया और शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और वह उस पर से उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्टात्मा भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है बहुतों में से निकल गई। पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था क्योंकि वे जानते थे कि यह मसीह है। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक जंगली जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि हमारे पास से न जा। परंतु लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय।
जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उससे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब वह किसी नगर में था तो देखो, वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया कि किसी से न कहे, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। और देखो, कई लोग एक मनुष्य को, जो झोले का मारा हुआ था, खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ कौन पापों की क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा कि तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे कि आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। और इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। और लेवी ने अपने घर में उसके लिए बड़ी जेवनार की, और चुंगी लेने वालों की और औरों की, जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे, एक बड़ी भीड़ थी। और फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं,
परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। और उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा कि कोई मनुष्य नए पहरावन में से फाड़कर पुराने पहरावन में पैवंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैवंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नाश हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। लूका रचित सुसमाचार छठवां अध्याय। फिर सप्त के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले बालें तोड़ तोड़कर और हाथों से मल मल कर खाते जाते थे। तब फरीसियों में से कई एक कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सप्त के दिन करना उचित नहीं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? वह क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी? और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी प्रभु है। और ऐसा हुआ कि किसी और शब्द के दिन को वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने के लिए उसकी ताक में थे कि देखें कि वह सप्त के दिन चंगा करता है कि नहीं। परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूं कि सप्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? और उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, और याकूब और यूहन्ना, और फिलिप्पुस और बर्तुलमै, और मत्ती और थोमा, और हलफई का पुत्र याकूब, और शमौन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ, और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहां थे, और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे, और सब उससे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो,
क्योंकि शोक करोगे और रोओगे, हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। और यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। और यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गढ़े में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है, और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है भली भांति देखकर निकाल सकेगा। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नेव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नेव का घर बनाया, जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और वह गिरकर सत्यनाश हो गया। लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय। जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ साथ चला, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु दुख न उठा,
क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं कि आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है, और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। और यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से दो को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की बाट देखें। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो हैं। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्टात्माओं से छुड़ाया, और बहुत से अंधों को आंखें दी, और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को? हां, मैं तुमसे कहता हूं वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। सो मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान हैं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसली बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुम न रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता आया न दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है, और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपनी सब संतानों से सच्चा ठहराया गया है। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा, और देखो उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई
और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कहे। किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धारता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों का चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं, और वे ये हैं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थीं, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुजन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थीं। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा परंतु तरी न मिलने से सूख गया, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा कि यह दृष्टांत क्या है? उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखें और सुनते हुए भी न समझें। दृष्टांत यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा सो वे हैं जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। कोई दिया बार के बर्तन से नहीं छिपाता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है
اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جسے وہ اپنا سمجھتا ہے۔ اس کی ماتا اور اس کے بھائی اس کے پاس آئے، پر بھیڑ کے کارن اس سے بھینٹ نہ کر سکے، اور اس سے کہا گیا کہ تیری ماتا اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہوئے تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے اس کے اتر میں ان سے کہا کہ میری ماتا اور میرے بھائی یہی ہیں جو پرمیشور کا وچن سنتے اور مانتے ہیں۔ پھر ایک دن وہ اور اس کے چیلے ناؤں پر چڑھے، اور اس نے ان سے کہا کہ آؤ جھیل کے پار چلیں، سو انہوں نے ناؤ کھول دی، پر جب ناؤ چل رہی تھی تو وہ سو گیا، اور جھیل پر آندھی آئی اور ناؤ پانی سے بھرنے لگی اور وہ جوکھم میں تھے۔ تب انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، سوامی سوامی ہم ناش ہوئے جاتے ہیں۔ تب اس نے اٹھ کر آندھی کو اور پانی کی لہروں کو ڈانٹا اور وہ تھم گئے اور چین ہو گیا، اور اس نے ان سے کہا تمہارا وشواس کہاں تھا؟ پر وہ ڈر گئے اور اچمبھت ہو کر آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے جو آندھی اور پانی کو بھی آگیا دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں؟ پھر وہ گراسینیوں کے دیش میں پہنچے جو اس پار گلیل کے سامنے ہے۔ جب وہ کنارے پر اترا تو اس نگر کا ایک منشیہ اسے ملا جس میں دشٹ آتمائیں تھیں، اور بہت دنوں سے نہ کپڑے پہنتا تھا اور نہ گھر میں رہتا تھا، ورن قبروں میں رہا کرتا تھا۔ وہ ایشو کو دیکھ کر چلایا اور اس کے سامنے گر کر اونچے شبد سے کہا، ہے پرم پردھان پرمیشور کے پتر ایشو، مجھے تجھ سے کیا کام؟ میں تیری بنتی کرتا ہوں، مجھے پیڑا نہ دے۔ کیونکہ وہ اس اشدھ آتما کو اس منش میں سے نکلنے کی آگیا دے رہا تھا، اس لیے کہ وہ اس پر بار بار پربل ہوتی تھی، اور یدپی لوگ اسے سانکلوں اور بیڑیوں سے باندھتے تھے تو بھی وہ بندھنوں کو توڑ ڈالتا تھا اور دشٹاتما اسے جنگل میں بھگائے پھرتی تھی۔ یشو نے اس سے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، سینا، کیونکہ بہت دشٹاتمائیں اس میں پیٹھ گئی تھیں، اور انہوں نے اس سے بنتی کی کہ ہمیں اتھا گڑھے میں جانے کی آگیا نہ دے۔ وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا جھنڈ چر رہا تھا، سو انہوں نے اس سے بنتی کی کہ ہمیں ان میں بیٹھنے دے، سو اس نے انہیں جانے دیا۔ تب دشٹ آتمائیں اس منش سے نکل کر سوروں میں گئیں، اور وہ جھنڈ کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا گرا اور ڈوب مرا۔ چرواہے یہ جو ہوا تھا دیکھ کر بھاگے، اور نگر میں اور گاؤں میں جا کر اس کا سماچار کہا، اور لوگ یہ جو ہوا تھا اس کے دیکھنے کو نکلے، اور ایشو کے پاس آ کر جس منش سے دشٹ آتمائیں نکلی تھیں اسے ایشو کے پاؤں کے پاس کپڑے پہنے اور سچیت بیٹھے ہوئے پا کر ڈر گئے، اور دیکھنے والوں نے ان کو بتایا کہ وہ دشٹ آتما کا ستایا ہوا منشیہ کس پرکار اچھا ہوا۔ تب گراسینیوں کے آس پاس کے سب لوگوں نے یشو سے بنتی کی کہ ہمارے یہاں سے چلا جا، کیونکہ ان پر بڑا بھے چھا گیا تھا۔ سو وہ ناؤ پر چڑھ کر لوٹ گیا۔ جس منشیہ سے دشٹ آتمائیں نکلی تھیں وہ اس سے بنتی کرنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دے، پرنتو یشو نے اسے ودا کر کے کہا، اپنے گھر کو لوٹ جا اور لوگوں سے کہہ دے کہ پرمیشور نے تیرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ وہ جا کر سارے نگر میں پرچار کرنے لگا کہ یشو نے میرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ جب یشو لوٹ رہا تھا تو لوگ اس سے آنند کے ساتھ ملے، کیونکہ وہ سب اس کی بات جو رہے تھے۔ اور دیکھو، یائیر نام ایک منشیہ جو آرادھنالے کا سردار تھا آیا اور یشو کے پاؤں پر گر کے اس سے بنتی کر کے کہنے لگا کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کے 12 ورش کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ مرنے پر تھی۔ جب وہ جا رہا تھا تب سب لوگ اس پر گرے پڑتے تھے، اور ایک استری نے جس کو 12 ورش سے لہو بہنے کا روگ تھا اور جو اپنی ساری جیوکا ویدیوں کے پیچھے ویہ کر چکی تھی اور تو بھی کسی کے ہاتھ سے چنگی نہ ہو سکی تھی، پیچھے سے آ کر اس کے وستر کے آنچل کو چھوا اور ترنت اس کا لہو بہنا تھم گیا۔ اس پر یشو نے کہا، مجھے کس نے چھوا؟ جب سب مکرنے لگے تو پترس اور اس کے ساتھیوں نے کہا، ہے سوامی، تجھے تو بھیڑ دبا رہی ہے اور تجھ پر گری پڑتی ہے۔ پرنتو یشو نے کہا، کسی نے مجھے چھوا ہے، کیونکہ میں نے جان لیا ہے کہ مجھ میں سے سامرتھ نکلی ہے۔ جب استری نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تب کانپتی ہوئی آئی اور اس کے پاؤں پر گر کر سب لوگوں کے سامنے بتایا کہ میں نے کس کارن سے تجھے چھوا
और क्यों कर तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया, और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि मर गई है उसकी हंसी करने लगे। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण फिर आए और वह तुरंत उठी, और उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से न कहना। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय। फिर उसने बारहों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, न तो लाठी न झोली, न रोटी न रुपये और न दो दो कुर्ते। और जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करेगा उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। सुबह निकलकर गांव गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। और देश की चौथाई का राजा हेरोदेस यह सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कितनों ने कहा कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है, और कितनों ने यह कि एलिया दिखाई दिया है, और औरों ने यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। परंतु हेरोदेस ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया, अब यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूं। और उसने उसे देखने की इच्छा की। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नाम एक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो बारहों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहां सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हां, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति पांति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें। सो सब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरी भरकर उठाई। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई कोई एलिया, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से न कहना। और उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उठे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इंकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा।
जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा, और देखो मूसा और एलिया ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहां रहना भला है, सो हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए, और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे, और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से न कही। और दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है, और देख एक दुष्टात्मा उसे पकड़ता है और वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ता है कि वह मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ता है, और मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकालें, परंतु वे न निकाल सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा, अपने पुत्र को यहां ले आ। वह आ ही रहा था कि दुष्टात्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ्य से चकित हुए। परंतु जब सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था अचंभा कर रहे थे, तो उसने अपने चेलों से कहा, ये बातें तुम्हारे कानों में पड़ी रहें, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है। परंतु वे इस बात को न समझते थे, और यह उनसे छिपी रही कि वे उससे जानने न पाए, और वे इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया, और उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी और गांव में चले गए। जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा,
लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए न बटुआ न झोली न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा, तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो, और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना, और जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारें, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो, और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा सहने योग्य होगी। हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हां हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। और चेलों की ओर फिरकर निराले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखीं, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा।
परंतु उसने अपनी तई धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था परंतु उसे देख के कतराक कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतराक कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों ने अचंभा किया, परंतु उनमें से कितनों ने कहा, यह तो शैतान नाम दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा, परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नाश हो जाता है, और यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं?
इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट लेता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठ कर बास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य वह गर्भ जिसमें तू रहा, और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा कि इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। जैसा यूनुस नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहां वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। कोई मनुष्य दिया बार के तल घरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहां भोजन कर, और वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी ने यह देखकर अचंभा किया कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियो, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियो, जिसने बाहर का भाग बनाया क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियो, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का दसवां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे फरीसियो, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया कि हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापको, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला था, सो तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों में सम्मत हो, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है कि मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी
और वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लोहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकरयाह की हत्या तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूं उसका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर कि तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बहुत पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे और उसकी घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहां तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह कोठों पर प्रचार किया जाएगा। परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। क्या दो पैसे की पांच गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। मैं तुमसे कहता हूं जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उससे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मुझे इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा न किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, वे न बोते हैं न काटते, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी एक के समान
वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा? और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जावेगा। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर सीधा दे? धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन कि वह उसकी बाट जोहता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगेंगे। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, और क्या चाहता हूं? केवल यह कि अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी सकेती में रहूंगा? क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं, नहीं, वरन अलग कराने आया हूं। क्योंकि अब से एक घर में पांच जन आपस में विरोध रखेंगे, तीन दो से और दो तीन से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, मां बेटी से और बेटी मां से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। और उसने भीड़ से भी कहा, जब बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी और ऐसा ही होता है, और जब दक्षिणा चलती देखते हो तो कहते हो कि लूह चलेगी और ऐसा ही होता है। हे कपटियो, तुम धरती और आकाश के रूप में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? और तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले, ऐसा न हो कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए और न्यायी तुझे प्यादे को सौंपे और प्यादा तुझे बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर न देगा तब तक वहां से छूटने न पाएगा। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे
اور اس سے ان گلیلیوں کی چرچا کرنے لگے جن کا لوہو پلاتوس نے انہی کے بلیدانوں کے ساتھ ملایا تھا۔ یہ سن اس نے ان سے اتر میں یہ کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ گلیلی اور سب گلیلیوں سے پاپی تھے کہ ان پر ایسی وپتی پڑی؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، پرنتو یدی تم من نہ پھراؤ گے تو تم سب بھی اسی ریتی سے ناش ہوگے۔ یا کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ 18 جن جن پر شیلوہ کا گمٹ گرا اور وہ دب کر مر گئے یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے ادھک اپرادھی تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، پرنتو یدی تم من نہ پھراؤ گے تو تم بھی سب اسی ریتی سے ناش ہوگے۔ پھر اس نے یہ درشٹانت بھی کہا کہ کسی کی انگور کی باری میں ایک انجیر کا پیڑ لگا ہوا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا پرنتو نہ پایا۔ تب اس نے باری کے رکھوالے سے کہا، دیکھ 3 ورش سے میں اس انجیر کے پیڑ میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں پرنتو نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال کہ یہ بھومی کو بھی کیوں روکے رہے۔ اس نے اس کو اتر دیا کہ ہے سوامی، اسے اس ورش تو اور رہنے دے کہ میں اس کے چاروں اور کھود کر کھاد ڈالوں، سو آگے کو پھلے تو بھلا، نہیں تو اسے کاٹ ڈالنا۔ سبت کے دن وہ ایک آرادھنالے میں اپدیش کر رہا تھا، اور دیکھو ایک استری تھی جسے 18 ورش سے ایک دربل کرنے والی دشٹاتما لگی تھی، اور وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی ریتی سے سیدھی نہیں ہو سکتی تھی۔ یشو نے اسے دیکھ کر بلایا اور کہا، ہے ناری، تو اپنی دربلتا سے چھوٹ گئی۔ تب اس نے اس پر ہاتھ رکھے اور وہ ترنت سیدھی ہو گئی اور پرمیشور کی بڑائی کرنے لگی۔ اس لیے کہ یشو نے سبت کے دن اسے اچھا کیا تھا، آرادھنالائے کا سردار رسیا کر لوگوں سے کہنے لگا، 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، سو انہی دنوں میں آ کر چنگے ہو، پرنتو سبت کے دن میں نہیں۔ یہ سن کر پربھو نے اتر دے کر کہا، ہے کپٹیو، کیا سبت کے دن تم میں سے ہر ایک اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ اور کیا اچت نہ تھا کہ یہ استری جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جسے شیطان نے 18 ورش سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بندھن سے چھڑائی جاتی؟ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب ویرودھی لجت ہو گئے، اور ساری بھیڑ ان مہیما کے کاموں سے جو وہ کرتا تھا آنندت ہوئی۔ پھر اس نے کہا، پرمیشور کا راج کس کے سمان ہے، اور میں اس کی اپما کس سے دوں؟ وہ رائی کے ایک دانے کے سمان ہے جسے کسی منش نے لے کر اپنی باری میں بویا، اور وہ بڑھ کر پیڑ ہو گیا، اور آکاش کے پکشیوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کیا۔ اس نے پھر کہا، میں پرمیشور کے راج کی اپما کس سے دوں؟ وہ خمیر کے سمان ہے جس کو کسی استری نے لے کر 3 پسیری آٹے میں ملایا، اور ہوتے ہوتے سب آٹا خمیر ہو گیا۔ وہ نگر نگر اور گاؤں گاؤں ہو کر اپدیش کرتا ہوا یروشلم کی اور جا رہا تھا، اور کسی نے اس سے پوچھا، ہے پربھو، کیا ادھار پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، سکیت دوار سے پرویش کرنے کا یتن کرو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتےرے پرویش کرنا چاہیں گے اور نہ کر سکیں گے۔ جب گھر کا سوامی اٹھ کر دوار بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے ہوئے دوار کھٹکھٹا کر کہنے لگو، ہے پربھو، ہمارے لیے کھول دے، اور وہ اتر دے کہ میں تمہیں نہیں جانتا، تم کہاں کے ہو، تب تم کہنے لگو گے کہ ہم نے تیرے سامنے کھایا پیا اور تو نے ہمارے بازاروں میں اپدیش کیا، پرنتو وہ کہے گا، میں تم سے کہتا ہوں، میں نہیں جانتا تم کہاں سے ہو، ہے کرم کرنے والو، تم سب مجھ سے دور ہو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، جب تم ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب بھوش دکتاؤں کو پرمیشور کے راج میں بیٹھے اور اپنے آپ کو باہر نکالے ہوئے دیکھو گے، اور پورو اور پشچم، اتر اور دکھن سے لوگ آ کر پرمیشور کے راج کے بھوج میں بھاگی ہوں گے، اور دیکھو کتنے پچھلے ہیں وہ پرتھم ہوں گے، اور کتنے جو پرتھم ہیں وہ پچھلے ہوں گے۔ اسی گھڑی کتنے فریسیوں نے آ کر اس سے کہا، یہاں سے نکل کر چلا جا، کیونکہ ہیرودیس تجھے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ اس نے ان سے کہا، جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھ، میں آج اور کل
दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन पूरा करूंगा, तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करती है, कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे करूं, पर तुमने यह न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय। फिर वह सप्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया, और वे उसकी घात में थे, और देखो एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है कि नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे हाथ लगाकर चंगा किया और जाने दिया, और उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर न निकाल ले? वे इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके। जब उसने देखा कि नेवताहारी लोग क्यों कर मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहे कि हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवताहारियों को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा करा दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा करा दे। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहां ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसे तूने कहा था वैसे ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन नेवते हुओं में से कोई मेरी जेवनार को न चखेगा। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता।
और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की विसात मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा न हो कि जब नेव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं कि नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। नमक तो अच्छा है परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा। वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया बार कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनावें, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, और उसने एक दास को बुलाकर पूछा
यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि यह तेरी सब संपत्ति उड़ाए देता है। सो उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोली नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। और उसने अपने स्वामी के देनदारों में से एक को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा कि अपनी खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर दूसरे से पूछा, तुझ पर क्या आता है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपनी खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उससे ठट्ठों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है वह भी व्यभिचार करता है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा,
हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गढ़ा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहें वे न जा सकें और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगें, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7ों बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि वह जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का निहोरा मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तई याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10ों शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रगट रूप से नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिसमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहां है या देखो यहां है, परंतु तुम चले न जाना और न उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से कौंधकर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा।
परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूं उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु यह कहां होगा? उसने उनसे कहा, जहां लोत है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में दो बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का दसवां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, और चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना
और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। और सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या लड़के बालों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुणा अधिक न पाए और परलोक में अनंत जीवन। फिर उसने बारहों को साथ लेकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। और उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी और यह बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है। उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जो आगे जाते थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ और जब वह निकट आया तो उसने उससे यह पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा, हे प्रभु यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हुआ चाहता है। सो उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर फिर आए, और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया
ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहर से 10 और मोहरे कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरे कमाई हैं। उसने उससे भी कहा कि तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मोहरे यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखी, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपये कोठी में क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मोहरे हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरे तो हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला, और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर लाओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे, और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया कि तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हां तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। और वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था, और महायाजक और शास्त्री और लोगों के रईस उसे नाश करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय न निकाल सके कि यह किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। लूका रचित सुसमाचार 20वां अध्याय। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश देता और सुसमाचार सुना रहा था, तो महायाजक और शास्त्री पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे कि हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है, और वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है? उसने उनको उत्तर दिया,
कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था। तब वे आपस में कहने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों न की, और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से, तो सब लोग हमें पत्थरवाह करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। सो उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह किसकी ओर से था। यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूं। तब वह लोगों से यह दृष्टांत कहने लगा कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए प्रदेश चला गया। समय पर उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दें, पर किसानों ने उसे पीटकर छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीटकर और उसका अपमान करके छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा और उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं, मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, क्या जाने वे उसका आदर करें। जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे कि यह तो वारिस है, आओ हम उसे मार डालें कि मीरास हमारी हो जाए, और उन्होंने उसे दाख की बारी के बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए दाख की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा, वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को सौंपेगा। यह सुनकर उन्होंने कहा, परमेश्वर ऐसा न करे। उसने उनकी ओर देखकर कहा, फिर यह क्या लिखा है कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। उसी घड़ी शास्त्रियों और महायाजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा, परंतु वे लोगों से डरे और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई न कोई बात पकड़े कि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दे। उन्होंने उससे यह पूछा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है, क्या हमें कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, एक दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी मूर्ति और नाम है। उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। वे लोगों के सामने उस बात को पकड़ न सके, वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए। फिर सदूकी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कितनों ने उसके पास आकर पूछा कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है कि यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। सो सात भाई थे। पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया, फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री को ब्याह लिया। इस रीति से सातों बिना संतान मर गए। सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। सो जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सातों की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा कि इस युग के संतानों में तो ब्याह शादी होती है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करें, उनमें ब्याह शादी न होगी। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्ग दूतों के समान होंगे और जी उठने के संतान होने से परमेश्वर के भी संतान होंगे। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वह प्रभु को इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कितनों ने यह कहा कि हे गुरु, तूने अच्छा कहा, और उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का हियाव न हुआ।
फिर उसने उनसे पूछा, मसीह को दाऊद का संतान क्यों कर कहते हैं? दाऊद आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दहीने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के तले न कर दूं। दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान क्यों कर ठहरा? जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना भाता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और सभाओं में मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये बहुत ही दंड पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें दो दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। जब कितने लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से समारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो उनमें से यहां किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना। और जब तुम लड़ाइयों और बलुओं की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूइंडोल होंगे और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे, और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहां तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं, और जो गांवों में हो वे उसमें न जाएं, क्योंकि यह पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ी आपत्ति होगी। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा, और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा कि अंजीर के पेड़
और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनकी कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लें तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत न होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। और वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता था, और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय। अखमीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको क्यों कर मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन किया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि बिना उपद्रव के उसे उनके हाथ पकड़वा दे। तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना, और उस घर के स्वामी से कहो कि गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ी पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख रस अब से कभी न पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लोहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है। पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछ पाछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे की नाई और जो प्रधान है वह सेवक की नाई बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के नाई हूं, परंतु तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर
इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। और उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो लिखा है कि वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी होने पर हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख यहां 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत हैं। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया, और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लोहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया, और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। वह यह कह ही रहा था कि देखो, एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। तब यीशु ने महायाजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए, और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया, और एक लौंडी उसे आग के उजाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इंकार किया कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे, और उसकी आंखें ढांप कर उससे पूछा कि भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कहीं। जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिये
और महायाजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उससे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूं तो प्रतीति न करोगे, और यदि पूछूं तो उत्तर न दोगे, परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर सबने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूं। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही का क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमने आप ही उसके मुंह से सुन लिया है। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई, और वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। तब पिलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कुछ दोष नहीं पाता। पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहां तक सारे यहूदिया में उपदेश दे देकर लोगों को उसकाता है। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुतेरी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। और महायाजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। पिलातुस ने महायाजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है, न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूं। तब सब मिलकर चिल्ला उठे कि इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। यही किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों, उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूं। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। सो पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए, और उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था और जिससे वे मांगते थे छोड़ दिया, और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। जब वे उसे लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस को लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले, और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थीं। यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ हैं, और वे गर्भ जो न जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। वे और दो मनुष्य को भी
जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे कि इसने औरों को बचाया, यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक पत्र भी लगा था कि यह यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और लगभग दो पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई, और उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थीं दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थीं। और देखो, यूसुफ नाम एक मंत्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उनके विचार और उनके इस काम से प्रसन्न न था, और वह यहूदियों के नगर अरमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था, उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांग ली और उसे उतारकर चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और शब्द का दिन आरंभ होने पर था, और उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और यह भी कि उसकी लोथ किस रीति से रखी गई है, और लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया। और शब्द के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाई। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थीं, तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आईं, और कब्र से लौटकर उन्होंने उन ग्यारहों को और सबको ये सब बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलीनी और युवन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की और स्त्रियां भी थीं। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे
और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। देखो उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थीं आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछपाछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा थी कि यही इसराइल को छुटकारा देगा। और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है जो भोर को कब्र पर गई थीं, और जब उसकी लोथ न पाई तो यह कहती हुई आईं कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ा चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उससे रोटी तोड़ते समय क्यों कर पहचाना। वे ये बातें कह रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और आश्चर्य करते थे तो उसने उनसे पूछा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थीं, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और 3रे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो,
और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे।